मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 28 मई और समय है मॉर्निंग 5 बजे करंट अफेयर क्विज का। सो करंट अफेयर क्विज में क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, 5 टॉपिक्स करते हैं, अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपका करंट अफेयर के अंदर आए। आप जानते हो करंट अफेयर कितना जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम में। सो ये जो आपके क्वेश्चन है ये 2021 का हो या 2020, दोनों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो डेली हम करते हैं 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर 8 बजे हमारा करंट अफेयर का शो होता है। सो दोनों बहुत जरूरी है दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में। बता देता हूं आपका, 2 शो हमारे हो रहे हैं करंट अफेयर के, एक तो मॉर्निंग 5 AM होता है और दूसरा कब होता है हमारा, दैट इज 8 AM, 8 बजे होता है और एक 5 बजे होता है। सो दोनों शो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों सुमित 10 मेरा कोड है, आप सभी जानते हैं सुमित 10 खास है, बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हो। यूपीएससी में अनअकैडमी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको एक ही कोड यूज करना है और वो कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 से क्या मिलेगा आप लोग जानते हो, सुमित राठी सबका साथी। सो दोस्तों सुमित 10 आप यूज करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊं तो पहला तो क्या है दोस्तों, सीधा सीधा आपका 10% डिस्काउंट, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान रखना 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब क्या है, अनअकैडमी पे अगर मैं 2 ईयर के कोर्स की बात करूं तो इट विल कॉस्ट यू 92,000, बट राइट नाउ अनअकैडमी इज ऑफरिंग दिस कोर्स इन अ सब्सिडाइज प्राइस 52,000। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200 बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10। आप सिंपल क्या करना है, सुमित 10 रेफरल कोड में इस्तेमाल करना है, डिस्काउंट तो मिलेगा। अब जब देखो बात सपनों की है तो डिस्काउंट नहीं देखते हम, भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, दिल बड़ा होता है हमारा, तो उस केस में हम डिस्काउंट में नहीं देखते। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं गाइडेंस। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी तैयारी है, एक लंबी जर्नी है, आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेट रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट आपको गाइडेंस चाहिए और उस गाइडेंस में मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा दोस्तों। सो बेफिक्र किए, बेझिझक किए, आप यूज कीजिए दोस्तों सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड यूज करेंगे आपको मैं थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करूंगा, गाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम था यूपीएससी एच प्रोग्राम क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, ये हमने स्टार्ट किया था। अभी मिशन आईएएस 2021 हमने स्टार्ट किया है। यस्टरडे मेरी क्लास नहीं हो पाई थी यार, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ड्यू टू द टेक्निकल एरर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, बट जल्दी क्लास होगी हमारी। एच प्रोग्राम को भी हमने एक्सटेंड कर दिया, क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, अब प्रीलिम्स आपका एक्सटेंड हो गया है तो वी एक्सटेंडेड दिस प्रोग्राम ऑल्सो। सो आज जो है एच प्रोग्राम की हम क्लास लेंगे, एच प्रोग्राम के अंडर में आज क्लास लेने वाला हूँ। सो यूपीएससी एच प्लस, मैं प्लस पर लेके आया था अनअकैडमी, वहां पर अभी फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स रनिंग में है। आप अगर ज्वाइन करते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन सुमित 10 के साथ में तो आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ इकोलॉजी, ये कोर्सेज भी वहां पर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, आज की क्लास का पहला सवाल जो है उस शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको कोड याद रखना है, कोड इज सुमित 10, सुमित 10 कोड आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टबल बर्निंग, पहला सवाल किससे दोस्तों, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होता है, इनको बोलते हैं आपका पराल, हिंदी में बोलते हैं आपका नॉर्मल लैंग्वेज में, जो आपका राइस होता है, तो राइस में जब हम ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में जो बचता है, जो नीचे का उसका तना बचता है, जो स्टबल बचता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, कोई न्यूट्रिशन इसके अंदर होते नहीं है। देखो गेहूं के अंदर जो ये होता है आपका स्टबल, इसको हम एज अ फोडर इस्तेमाल कर लेते हैं, पशुओं को चारा खिला देते हैं, लेकिन चावल जो होता है ये उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता इसका स्टबल, तो किसी काम का हमारे ये नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं इसको दोस्तों, जला देते हैं। दूसरा आप लोग जानते हो भारत के अंदर 3 क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, फर्स्ट एरा, दूसरा एरा, तीसरा। पहला क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा होता है, पहला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दैट इज नोन एज खरीफ, दूसरा जो है दैट इज नोन एज रबी, और तीसरा जो होता है दैट इज नोन एज जायद।
है ना, खरीफ जो है रबी, रबी से आरे, आरे मेरा नाम है, मेरा सरनेम है ना राठी, मैं ऐसे याद करता हूँ इसको, देखो आरे रबी हो गया और टी एच आई मतलब ठंड, तो ठंड में स्टार्ट होता है, तो इट विल, ये स्टार्ट कब होता है आपका, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका शोइंग सीजन स्टार्ट होता है और इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च अप्रैल में। तो कौन सा होता है, गेहूं जो है आपकी रबी की क्रॉप्स होती है। खरीफ की क्रॉप्स में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून आता है ना, शुरू होता है उस टाइम पर ये आपका बुआई इनकी होती है और इनको काट लेते हैं हम कब, आपका लगभग सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। तो चावल की जो फसल है वो खरीफ की फसल है। अब जब खरीफ की फसल होगी मतलब सितंबर या अक्टूबर लास्ट तक इनकी हार्वेस्टिंग चलेगी, है ना। अभी आपने चावल को, धान को उसमें से अलग किया है, अक्टूबर हो जाता है, लेकिन अक्टूबर में या नवंबर में आपको गेहूं की बुआई करनी है, रबी की फसल यानी कि वीट को आपको शो करना है, तो आपके पास समय बहुत कम बचता है कि आप फील्ड को तैयार कर पाओ, है ना। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी वो स्टबल्स होती है, पराल होती है, उनमें हम आग लगा देते हैं, सिंपल शॉर्टकट फार्मूला। और इससे क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, पूरी नेशनल कैपिटल चौक हो जाती है। एक तो स्टबल बर्निंग और दूसरा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो आपकी एयर क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती है, डेट्रॉइट होती है आपका दिल्ली के अंदर। सो दीज टू आर द मेन रीजन, है ना। विंड स्पीड कम होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, कहाँ पर पढ़ाया हुआ हमने, हमने आपको पढ़ाया था आपका ज्योग्राफी के अंदर, आपको याद होगा। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टबल बर्निंग। यार स्टबल बर्निंग के बारे में कुछ कथन दिए मैंने, उस पर विचार करो और मुझे बताओ। पहला क्या है दोस्तों, द बैन एंड एक्शन अगेंस्ट द बर्निंग द क्रॉप रेजिड्यू आर रेगुलेटेड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। फसल अवशेषों को जलाने के खिलाफ प्रतिबद्ध और कार्रवाई को वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत में विनियमित किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, इट एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC एंड कार्सिनोजेनिस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सारे के सारे, अगर मैं बात करूं मीथेन, मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और बहुत सारी अदर कार्सिनोजेनिस गैस इससे डेवलप होती है, ओरिजिनेट होती है। सो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, मैं पूछूं बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, है ना। पहली बात, एयर पॉल्यूशन होता है तो एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत हमने इसको बैन किया हुआ। दूसरा, इसे बहुत सारी हार्मफुल गैस जो है वो रिलीज होती है। सो इस केस में अगर मैं बात करूं, दोनों स्टेटमेंट एकदम चकाचक है, ओके। कौन बता रहा था, चौधरी साहब ने बताया आपको, ठीक है, कोई भी पूछेगा चौधरी साहब ने बताया। यार कल के एक क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी छोटी सी, जो हम कटकारी ट्राइब की हम बात कर रहे थे, तो वो मध्य प्रदेश से ना, ओके, दैट बिलोंग्स फ्रॉम द महाराष्ट्र। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, मैंने आपको पढ़ाया भी था गिलोय के लिए प्रधानमंत्री वनधन योजना के तहत। सो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, लास्ट वाला जो आपका प्रीवियस जो था उसके अंदर जो कटकारी ट्राइब है दैट बिलोंग्स फ्रॉम द महाराष्ट्र, और वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके अंदर यार, जो आपका जो PPT डेवलप किया था उस टाइम पे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो उसको करेक्ट कर लेना। सो इस स्टेटमेंट में अगर बात करें तो चौधरी साहब ने बताया आपको क्या, दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें दोनों के दोनों क्या है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब हैज बीन एक्सपीरियंस ए प्रॉब्लम द स्टबल बर्निंग वंस अगेन डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट टू कंट्रोल द प्रैक्टिस सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना। दोबारा से प्रॉब्लम होने लगी है, इतनी सारी जगहों पर स्टबल बर्निंग होती है। रीसेंट एंड ऑफ द वीट हार्वेस्टिंग सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ द स्टबल बर्निंग इन द स्टेट। अभी भी स्टबल बर्निंग होने लग गया स्टेट के अंदर। इस बार तो COVID-19 था, तो COVID-19 के चलते प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है, है ना। सभी लोगों ने कंबाइन और हार्वेस्टर से हार्वेस्ट किया है, तो जो गेहूं के नीचे भी स्टबल है वो भी बच गया है, तो स्टबल अब लोग उसको भी जला रहे हैं। पंजाब के अंदर तो कॉर्पोरेट स्टाइल फार्मिंग होती है ना, बहुत बड़े बड़े फार्म्स में, तो उनको भी जला रहे हैं, तो वो एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो इतने सारे इंसिडेंट है, देख सकते हो आप, ये सब नीचे बताया है। बाकी मेन चीज ये है, इसको बैन किया गया है किसके द्वारा, आपका एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत। स्टबल बर्निंग कॉजेज डिजीज सच एज द प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लंग्स में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको आपको अस्थमा भी हो जाए, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, समझ में आ रही बात। और फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या अगर है, मेरे एक अध्यापक को थे, मेरे एक साथी थे संतोष सर, उनको इसी प्रकार की एक फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो COVID-19 के अंदर उनको कोरोना हो गया, काफी गहरी परेशानी से उन्हें जूझना पड़ा है। और आप लोग जानते हैं हंटर सर भी जो है काफी परेशान है इसी चीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्टबल बर्निंग एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो गैसेज हैं वो यहाँ पर जनरेट हो रही हैं, वो यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों।
अगला सवाल है यार आपका फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME से। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट जो स्कीम है ना फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME उसको क्या कर रहा है अप्रूव कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके इंक्रीजिंग इन द एक्सेस टू द फाइनेंस। देखो जो माइक्रो मतलब छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं देख पा रहे हो आप यहाँ पर कैचअप्स बन रहे हैं ठीक है। यहाँ पर सड़े हुए टमाटर से क्या बनाया जा रहा है कैचअप्स बनाया जा रहा है। मेरे साथ के एक अध्यापक हैं उन्होंने अभी अभी सड़े हुए टमाटरों से कैचअप निकालने की फैक्ट्री जो है वो बनाई है। सो अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका कैबिनेट अप्रूव द स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्या इंक्रीज द एक्सेस टू द फाइनेंस बाय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। किस प्रकार से माइक्रो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग छोटी खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट्स है उनको हमने किस प्रकार से दोस्तों किस प्रकार से हम उनको फाइनेंस अवेलेबल कराएंगे किस प्रकार से हम उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कराएंगे ना उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे किस प्रकार से हम उनका रेवेन्यू ऑफ टारगेटिंग एंटरप्राइजेस जो है वो ठीक करेंगे ना। ट्रांजिशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर अभी अनऑर्गेनाइज काम करती है ना ये आपका अनऑर्गेनाइज है किस प्रकार से आप इनको नॉर्मलाइज करोगे फॉर्मलाइज करोगे उसके लिए। एनहांस कंप्लायंसेस विद द फूड क्वालिटी एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्पेशल फोकस ऑन द वुमेन एंटरप्राइज इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और जो आपका वुमेन एंटरप्राइजेस हैं वहां पर बहुत विशेष इनका योगदान रहेगा। आज मेरे एक मित्र एक मेरे साथी दोस्त हैं ठीक है उनको मैं रेस्ट इन पीस कहूँगा। मेरे साथी थे काफ़ी समय मेरे साथ काम किया बहुत बहुत मुझे आज दुख हो रहा है कोरोना के चलते आज वो नहीं रहे इस दुनिया में बट कोई बात नहीं ये जिंदगी की लड़ाई है चलते रहेगी ठीक है। काफ़ी अच्छे आदमी थे ऐसी बात नहीं है बाल उनके उड़ गए थे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते थे पढ़ाई बच्चों की तरफ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे बच्चों से तो बाल उड़ गए थे लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मेरा मुझे आज दुख है तो मैं उनको आज कहना चाहूँगा रेस्ट इन पीस मोदी साहब के मैंने बटन लगा दिया ऊपर। चलिए कोई बात नहीं विद रेफरेंस टू द स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हंटर सर बिल्कुल सही है मैं बात किसी और की कर रहा हूँ कभी आप सोचो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं दोस्तों विद रेफरेंस टू द स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार FME से अभी मैंने जो बात की है उससे कुछ स्टेटमेंट मैं यहां पर दे रहा हूं वो स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और आपको उनके बारे में बताना है ठीक है। द स्कीम इज लिमिटेड ओनली फॉर द एरिया कवर्ड अंडर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर हम बात करें यह योजना केवल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत आने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। बात बिल्कुल बिल्कुल टुच्ची बात है यार ऐसा नहीं है यार ये हमने कब कहा कि सिर्फ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक है नहीं है। सो इट इंटेंडेड टू इंक्रीज द एक्सेस टू द फाइनेंस फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सही बात है यार अभी तो बात की थी कि मेन मुद्दा क्या है मेन मकसद क्या है कि जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है उसको हमने क्या करना है उसको हमें एक्स्ट्रा फंड जो है वो प्रोवाइड कराना है उसको हमें क्या करना है एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करना है। स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ठीक है। ये कह रहा है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो इसमें अगर मैं बात करता हूं आपको तो ओनली सेकंड हमारा क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है सेकंड इज द ओनली करेक्ट आंसर। रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSSY को इंप्लीमेंट किया है दोस्तों अप्रूव कर दिया उसके इंप्लीमेंटेशन को और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस दोनों को क्या किया सरकार ने मंजूरी दे दी है। MSME जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के अलग से इंडस्ट्री है सरकार बहुत कदम उठा रही है दोस्तों बिकॉज MSME जो है वो भारत के एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जान सकते हो आप उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। बोथ द स्कीम्स वर अनाउंस्ड इन द थर्ड ट्रिंचेस ऑफ द रेस 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान है ना। थर्ड ट्रिंच के अंदर दोनों को 20 लाख करोड़ रुपए ठीक है मुझे मिल जाए मजा आ जाए मैं बिल्कुल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने लग जाऊंगा बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ाऊंगा अगर 20 लाख करोड़ रुपए मुझे सरकार दे देती है तो। इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। So it has been observed that that about 30,000 crore worth of above scheme was rely on the 40% share of states। मतलब ये जो है ना इसमें सेंटर और स्टेट की भागीदारी है 40% फंड कहाँ से आएगा स्टेट से आएगा ठीक है। टाइम पीरियड कब तक इंप्लीमेंट करेंगे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे 5 साल 2020 से लेकर 2025। क्यों कर रहे हैं यार कोरोना की मार है इसलिए हम कर रहे हैं। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग ये भी एक लेबर इंटेंसिव वर्क है रेवेन्यू जनरेट होता है काफी तो ये हम कर रहे हैं है ना काफी लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या है यहां पर वर्ड याद रखोगे? स्पॉन्सर। सेंटर ने इसको स्पॉन्सर किया, मतलब पैसे दिए। सेंटर कह रहा है ठीक है 60% दे दूंगा मैं तुम्हें राज्यों को, 40% तुम अपने लगाओ, ठीक है। 60:40 का रेशियो, दैट्स व्हाट इज नोन एज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। बात आ रही समझ में? फटाफट कमेंट बॉक्स में यस यस करो। जिनको समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बताओ मुझे क्यों नहीं आ रही, वो भी कारण बताओ। नहीं बताओगे सजाएं मौत है, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है। मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है लाइए दे दीजिए। इट इज एन ऑल इंडिया बेसिस स्कीम्स विद एन आउटले ऑफ द 10,000 crore, है ना, ये भी बात समझ लीजिए आप। अच्छा कोणार्क, आपका कोणार्क सन टेम्पल के बारे में सुना आपने, बहुत फेमस है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोणार्क जो है उड़ीसा के अंदर एक शहर है, एक छोटा सा इलाका भी है जो हम बात कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोणार्क सन टेम्पल को और जो कोणार्क टाउन है ना, दोनों को सोलराइज कर रही है सरकार। ग्रिड और ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट यहां पर बना रही है, सोलर टेम्पल, इसके लिए सोलर प्रोजेक्ट जो है डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि यार ये जो पूरी कोणार्क सिटी है ना उसको सेल्फ रिलायंट बनाए। सेल्फ रिलायंट का मतलब समझते हो आप? सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि अपने आप पर ही वो निर्भर हो और किसी और पर वो निर्भर ना हो, ठीक है। बिजली उसके पास अपनी खुद की हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर ना हो उनको, ठीक है। विद रेफरेंस टू द कोणार्क सन टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यार कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहां पर आपको दी हुई है, आपको देख के बतानी है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बता देता हूं, हमारे जो हंटर सर है पहले वो कोणार्क सन टेम्पल में बाबा जी हुआ करते थे, अभी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। कोणार्क सन टेम्पल में रहते रहते उनकी सिविल इंजीनियरिंग काफी अच्छी हो गई थी तो वो इस फील्ड में आ गए हैं। सो कोणार्क सन टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है जो उड़ीसा में स्थित है, आपका पहली बात। दूसरी बात क्या है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर द 75% सोलराइजेशन ऑफ द टेम्पल। सरकार ने मंदिर के 75% सोलराइजेशन के लिए एक योजना जो है वो शुरू कर दी है, प्रारंभ कर दी है। तो 75% नहीं, हमने क्या बोला 100% है। सो सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया, ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला सही जवाब। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर द 100% सोलराइजेशन, याद रखो वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 75%, अभी क्या है 100% है। सरकार ने जो 100% किया है, 75% नहीं, किसके लिए? कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क टाउन इन उड़ीसा, दोनों के लिए। समझ में आई बात? द स्कीम विल मीट एन ऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कोणार्क टाउन विद सोलर एनर्जी, यार ये योजना सौर ऊर्जा के साथ कोणार्क शहर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। प्लान क्या है दोस्तों? प्लान मैंने बताया हमने, 10 MW का हम ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाने वाले हैं एंड द वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड, बहुत सारे ऑफ ग्रिड और ग्रिड, ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड, कई बार बता चुका हूँ ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हम यहाँ पर जो है आपके प्रोजेक्ट्स हम सेटअप करने वाले हैं जिससे यहाँ पर पूरी बिजली की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। 100% सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस मिल रहा है आपको, 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 25 crore rupees इसके लिए दिए गए हैं जो पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है MNRE जो है वो उठाएगी। कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द किंग नरसिम्हा देवा वन ऑफ द गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे हमारे नरसिम्हा देवा वन, उनके द्वारा चलाया गया था गंगा डायनेस्टी के अंदर 13th century एंड इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न उड़ीसा और पूर्वी उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 के अंदर डिक्लेयर किया जा रहा है। दोस्तों यार आजकल थोड़ी सी क्लासेस में डिस्टरबेंस चल रहा है मेरी, मैं आप लोग जानते हो, द रीजन इज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है यार। एक्चुअली जहां मैं रह रहा हूं वो लोकेशन मेरे को चेंज करनी है तभी ये चीजें सुधर सकती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ समय तक हम क्या कर लेते हैं, कुछ समय तक हम इन चीजों को देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम भाई नहीं, एक दो दिन नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा अगर क्लास खराब हुई तो वो एक प्रॉब्लम है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को सुधारने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा समय आप लोगों को लग रहा है मुझे, और होप आई होप कि आप मेरा साथ देंगे, पेशेंस बना के रखेंगे। जियो टेक्सटाइल, यार जियो टेक्सटाइल क्या, अभी मैं बता दूं आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है आपको पढ़ के बतानी है। पहला, इट हैज एन एबिलिटी टू सेपरेट द फिल्टर व्हिच व्हेन यूज्ड इन एसोसिएशन विद द सॉइल, यार ये क्या करती है, एक फिल्टर की तरह काम करती है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल क्या होते हैं बेसिकली दोस्तों, अभी सरकार ने जो कोयर इंडस्ट्रीज हैं उनको सड़क निर्माण के अंदर में इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। सो सेकंड क्या, इट इज रेजिस्टेंट टू द रॉट मोल्ड एंड मॉइस्चर, यार ये सड़ांद मोल्ड और नमी जो है उसकी प्रतिरोधी होती है, सही बात है यार, एकदम ओके की रिपोर्ट है। इट इज सिंथेटिक ऑफ मैन मेड बायोडिग्रेबल मटीरियल, ये एक सिंथेटिक या मानव निर्मित बायोडिग्रेबल सामग्री है। इट इज अ हाई डिग्री ऑफ द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जो है आपकी पारगम्यता इनकी बहुत ज्यादा, पारगम्य मतलब है मतलब कोई भी चीज इधर से उधर परमिएट हो सकता है, परमिएबल हो सकता है ना। सो चारों की चारों स्टेटमेंट में ओके की रिपोर्ट है, सारी की सारी स्टेटमेंट दोस्तों इसकी बिल्कुल सही है। अभी हुआ क्या है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो है NRIDA, नेशनल
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी हैज अनाउंस दैट कोयर जी, कोयर क्या होता है पता आपको? कोयर जो नारियल देखा है हमने, नारियल, नारियल के ऊपर जो छिलका होता है ना, ठीक है, वो छिलके से बनती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको कोयर जियो टेक्सटाइल। सो अभी नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो है हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत जो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, आपका कोयर भू टेक्सटाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये क्यों किया हमने? COVID-19 के चलते यार पूरी दुनिया ग्रसित है COVID-19 से, ठीक है। बस आप लोग मजे उठा रहे हो घर बैठ के, ऑनलाइन जो पढ़ाई आप कर रहे हो और इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना, वो भी चौधरी साहब के साथ, दैट इज द बेस्ट थिंग जो COVID-19 में आपके साथ हो रही है ना। कोविड जो कोयर इंडस्ट्रीज है हिट ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक है ना, ये हो रहा है आपका। NRIDA इज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट के तहत एक एजेंसी है। जियो टेक्सटाइल, दीज आर द सिंथेटिक इंक्लूडिंग पॉलिएस्टर एंड पॉलीप्रोपिलीन और मैनमेड मटेरियल्स दैट हैव वेरिंग डिग्री ऑफ द परमेबिलिटी। जियो टेक्सटाइल ये पॉलिएस्टर और प्रोपिलीन जो है ये मानव निर्मित निर्मित सामग्री सहित सिंथेटिक है जिसमें पारगम्यता की डिग्री जो है वो बदलती है। चलिए ये कुछ इस प्रकार से काम इसका होने वाला है दोस्तों। ये हाई परमिबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है, देयर सरफेस हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे होल होते हैं इसके अंदर है ना, छोटे 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 होते हैं, तो उनसे क्या होता है लिक्विड गैस जो है वो पास होते रहते हैं, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी, पारगम्यता। इट इज एन एबिलिटी टू सेपरेट द फिल्टर्स, रीइंफोर्स, प्रोटेक्ट एंड ड्रेन व्हेन यूज्ड एंड एसोसिएटेड विद द सॉइल। जब आप मिट्टी के साथ इसको इस्तेमाल करते हो तो इसमें फिल्टर करने की क्या होती है दोस्तों, क्षमता होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, कांगड़ा टी। कांगड़ा टी कांगड़ा वैली से संबंधित है, कांगड़ा वैली में इसको उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश की वैली वादियों में इसको उगाया जाता है। काफी अच्छी क्वालिटी की चाय होती है, ऑब्वियस बात है, एरोमा काफी अच्छा होता है, फ्रूटी पिंची फ्लेवर होता है इसका, मान लेते हैं दार्जिलिंग टी जितनी अच्छी तो नहीं है बट हाँ काफी अच्छी टी है। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। अभी न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी आपको पता होगा, कांगड़ा टी और अश्वगंधा जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, किसके लिए, हम HIV वाली जो मेडिसिन है जो हम HIV में यूज कर रहे हैं वो हम अपने हेल्थ वर्कर को एज अ प्रिवेंटिव मेडिकेशन के रूप में दे रहे हैं। तो अभी एक रिसर्च के अंदर सामने आया कि यार ये HIV की दवाइयां इस्तेमाल करने से बेटर क्या है, आप जो ये कांगड़ा टी है ना और अश्वगंधा इनको इस्तेमाल करो, ये उनसे बेटर है ना। सो ये बात है, ये सारी की सारी न्यूज है। बाकी कांगड़ा टी जो है वो अच्छी क्वालिटी की टी होती है, काफी एरोमेटिक एबिलिटीज इनके अंदर होती है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है ना। ये दोनों टाइप में होती है, ग्रीन टी भी और ब्लैक टी, बट ब्लैक टी जो है वो ज्यादा फेमस होती है आपकी, है ना। और साथ ही बताऊं तो इनको जियो टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसको मिला हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कांगड़ा टी, यार कांगड़ा चाय के संदर्भ में कुछ कथन दिए, विचार करो और बताओ मुझे। इट हैज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग स्टेटस, इसको भौगोलिक संकेत GI टैग मिला हुआ है। इट हैज बीन हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड कैन बूस्ट इम्यूनिटीज, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता जो है ना आपकी उसको बढ़ाते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों, बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट है ना, 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है इसकी। केमिकल्स इन द कांगड़ा टी वुड बी इफेक्टिव इन द बूस्टिंग इम्यूनिटीज, काफी ये बात बोली गई है ना। और किसने बोली, मैं नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायोसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने ये बात को बोला है, ठीक है। द फर्स्ट फ्लश ऑफ द कांगड़ा टी इज ग्रोन फॉर द हाई क्वालिटी यूनिक एरोमा एंड द टिंजी इन द फ्रूटी फ्लेवर, मैंने बता दिया। पहला फ्लश गुणवत्ता में होता है, अनूठी सुगंध होती है, फल और स्वाद के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये दार्जिलिंग टी से माइल्डर होता है बट अच्छी अच्छी चाय होती है, ऐसी बात नहीं है। और इसको इसकी साइंटिफिक एबिलिटी के लिए बताया गया है कि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप, बाकी आप समझदार हो क्या लिखना है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना सफर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप है ना, पढ़ेंगे यार लेकिन टेंशन नहीं लेंगे, एकदम बिंदास तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई दबाव नहीं पढ़ाई को। अगर आप पढ़ाई की तरीके से पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, पढ़ाई को पढ़ना है एक इंटरेस्टिंग फन वे के अंदर, और वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब आप चौधरी साहब के साथ हो। जब आप मेरे साथ हो तो मैं ही जो है, हम जो है मिलके इस एग्जाम को बहुत अच्छे से लाइट मोड के अंदर एक आपकी सक्सेस को गारंटी करेंगे। जरूरी है आपका गाइडेंस अच्छे हाथों में हो, मैं आपसे सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पढ़ता हूँ, एज डिफरेंस काफी कम है, समझता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों की समस्याएं जानता हूँ, इसलिए आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। गोल चूज करना UPSC CSE एंड यू कैन गेट टू द गेट सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज द 24-month सब्सक्रिप्शन बिकॉज एन अकेडमी इज ऑफरिंग दिस 24-month सब्सक्रिप्शन इन द वेरी सब्सिडाइज रेट। इसके बाद आपको यहां पर है, आपको प्रोमो कोड में क्या यूज करोगे आप, सुमित 10 खास है, बाकी समझदार। देखो सुमित 10 आप यूज करते हो और 2 साल में आपको डिस्काउंट तो मिलता है, बट 2 ईयर नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट गाइडेंस जो है उसकी बहुत जरूरत है, वो आपको मेरे को, मैं आपको दूंगा।
जैसे ही आप इस कोड यूज करोगे यू विल गेट दिस कोर्स एट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट 43,200। यू कैन सब्सक्राइब, प्रोसीड टू पेमेंट्स। सो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, जैसे ही आपका ये हो जाता है यू कैन मेल मी, मेरे को मेल करो, सर हमने आपका कोड करके ज्वाइन किया है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आपका टारगेटेड प्लान, स्टडी प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।